हेलो एंड वेलकम टू मलूका IAS। आप सबको पता ही होगा कि पिछले एक साल से हमारे देश का एक राज्य, वहां पे वायलेंस कंटिन्यूसली हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ कर ही नहीं रहा उस वायलेंस के बारे में। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ मणिपुर। बट टुडे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एवर सिंस दिस वायलेंस स्टार्टेड ऑन द 3rd of May इन 2023, the Prime Minister of our country has met the Chief Minister of Manipur, N. Biren Singh. इस मीटिंग के बाद क्या हम सोच सकते हैं कि ये वायलेंस खत्म हो? शायद हाँ, शायद नहीं। But yes, this meeting is very, very important. तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात तो ये वायलेंस हुआ क्यों? And secondly, इतना समय बीत गया और हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे चीफ मिनिस्टर से नहीं मिले। क्या कोई भी हमारे यूनियन गवर्नमेंट से जाके उनको उनके साथ बैठ के उन्होंने बात ही नहीं की? वेल, ऐसा भी नहीं है। सो लेट्स अंडरस्टैंड सर्टेन फैक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू द वायलेंस इन मणिपुर। बट बिफोर दैट, आई लाइक टू इंट्रोड्यूस अ वेरी वेरी स्पेशल क्लास दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू बाय मलूका IAS, जहां पे UPSC के एस्पिरेंट्स को एक बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू मीट वन ऑफ द टॉपर्स, एंड नॉट जस्ट मीट हिम but also learn from him. These classes shall be free of cost on the 2nd, 3rd and 4th of August through the Maluka IAS application, where you will not only meet Vaibhav Anand Sharma, AIR 58, but also learn from him the skill of essay writing and also ethics. So do not waste this opportunity and enroll for this right now. Now let's start discussing कि ये हुआ क्या है। बट बिफोर दैट, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ये वायलेंस क्यों चल रहा है मणिपुर में 3rd May 2023 से। सो इसकी शुरुआत होती है कि जब मणिपुर के हाईकोर्ट का एक डिसीजन आता है, एक डायरेक्टिव फॉर द मणिपुर गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि माइतीज, जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मणिपुर की, सो जस्टिस मुरलीधरन ऑफ द मणिपुर हाईकोर्ट टोल्ड द मणिपुर गवर्नमेंट लास्ट ईयर कि माइतीज को आप एक स्टेटस दीजिए। कौन सा स्टेटस? शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस। वो अभी तक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला नहीं है, ये केवल एक डायरेक्टिव था। बट इस वजह से राइट आफ्टर दिस पर्टिकुलर डायरेक्टिव लास्ट ईयर एक ट्राइब सॉलिडारिटी मार्च हुआ। अब देखिए, मणिपुर में अगर हम बात करें तो जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो है माइतीस, और जो कम है पॉपुलेशन में वो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, जिनमें से एक ट्राइब बहुत ज्यादा न्यूज में चलती है जिसका नाम है कुकी ट्राइब। अब आपको भी पता है कि हमारे देश में, हमारे संविधान के अंदर, हमारे देश की जनजातियों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती हैं और मिलनी भी चाहिए। सो एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, the tribes of this particular state get a lot of constitutional safeguards, especially with respect to their property. पर with respect to property तो आम इंसान को भी ये हक है, आपको और मुझे भी ये अधिकार है, लेकिन उनको थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि ट्राइब जो शब्द है उसको अगर हम हिंदी में देखें तो क्या बोलते हैं? आदिवासी। और आदिवासी का एक्चुअल ट्रांसलेशन इंटू इंग्लिश क्या है? Original inhabitants. Yes, my friends, a tribe is an original inhabitant of that particular area, and hence it then makes a lot of sense that we give them these constitutional safeguards with respect to their properties. So now, Maithis ko kya problem hai? Maithis kehte bhai hum bahut zyada hain population mein, lekin hum bahut kam area mein reh pa rahe hain. Aur ye jo Kukis aur Zomis tribes hain, even though they are less in population, they have authority over large areas of Manipur. So the Maiti says, we are the original inhabitants of Manipur, hence those rights should be given to us. Aur wo adhikara mein kab milega? Jab aap hame scheduled tribe ka status denge. To dobara se uski agar ab baat kare, to ab hame samajh mein aa raha hai ki jab ek Chief Justice of the High Court of Manipur, Justice Muralidharan, 2023 में मणिपुर की सरकार को कहते हैं कि चलिए आप माइतीस को भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे सकते हैं, तो माइतीस तो बहुत खुश हो गए, लेकिन कुकीज और जोमी ट्राइब्स खुश नहीं हुए। मणिपुर का एक सिटी है, उसका नाम है चूराचांदपुर,
जिसमें लास्ट ईयर एक ट्राइब सॉलिडैरिटी मार्च हुई राइट आफ्टर द डायरेक्टिव गिवन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर एंड देन इट बिकेम वायलेंट एंड दैट वायलेंस हैज एंसूड, वो अभी तक चल रहा है. और वायलेंस कहीं पे भी हो वो बहुत दर्दनाक भी होता है और वो उस देश के लिए खराब भी होता है. सो काफी देर तक ऑपोजिशन वाले और मीडिया वाले और हर एक इंसान के दिमाग में केवल एक ही चीज आ रही थी कि क्यों कोई कुछ भी नहीं कर रहा इसके बारे में, क्यों कोई कुछ बोल भी नहीं रहा इसके बारे में. वी वर ऑल लुकिंग टुवर्ड्स द यूनियन गवर्नमेंट एंड सो हेंस द होम मिनिस्टर अमित शाह हैड ऑलरेडी गॉन एंड मेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम. But still we were waiting for the day on which our country's prime minister would sit down with the chief minister of Manipur and discuss and decide solutions for this problem. And that day is here, where N. Biren Singh is finally going to meet Prime Minister Narendra Modi in person. We have a lot of faith in this particular meeting. की फेथ इस तरीके की कि अब जाके ये मणिपुर का क्राइसिस खत्म हो जाएगा, होना चाहिए. नॉट जस्ट फॉर द माइटीज, नॉट जस्ट फॉर द कुकीज, बट फॉर ह्यूमैनिटी. यस, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस मीटिंग, वेयर इज इट गोइंग टू हैपन. सो द मीटिंग इज बेसिकली गोइंग टू हैपन इन न्यू दिल्ली. और ये इस वजह से हो रहा है क्यों करके वहां पे नीति आयोग की मीटिंग हो रही है. और नीति आयोग में आपको पता ही है कि हर एक राज्य के हेड ऑफ द गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव्स बन के जाते हैं और प्रधानमंत्री के साथ डिस्कशंस डिबेट्स होती हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्लानिंग सिस्टम ऑफ आर कंट्री. एंड होनी भी चाहिए बिकॉज इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हम राज्यों का संगठन है, हम फेडरल नहीं, हम क्वाजाई फेडरल है, जहां पे हम एकजुट हो जाते हैं जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं. और हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट पे ये मणिपुर वायलेंस ही है. सो लाइक आई सेड, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नीति आयोग एंड द सेकंड इन द कॉन्क्लेव ऑफ चीफ मिनिस्टर्स. एंड हु विल बी द वन हु विल बी चेयरिंग दिस पर्टिकुलर मीटिंग? ऑफ कोर्स द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, विच इज द प्राइम मिनिस्टर. एंड सो हेंस इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग वैसे तो बात प्लानिंग की ही होगी, सारे के सारे स्टेट्स वहां पे आएंगे, लेकिन साथ ही साथ ऑन द साइड लाइन्स बात मणिपुर वायलेंस की भी होनी चाहिए. और सिर्फ बात नहीं, कॉन्क्रीट स्टेप्स बनाने चाहिए जहां पे हर एक इंसान को अपने तौर का एक सोल्यूशन मिले, ताकि ये सब कुछ के बाद यू नो ये ऑल ऑफ दिस वायलेंस शुड एंड एंड पीपल इन मणिपुर शुड ऑल्सो बी ऑन देयर वे टू डेवलपमेंट. So let's see what is going to happen there. More than 20 legislature of NDA are from Manipur. You know, from Manipur had come, they had camped in front of New Delhi. They had said, "Milo humse, baat karo, hume koi solution provide karke do, kyunki hamare log mar rahe hain, hamari auraton ka rape ho raha hai, hamare bachchon ko mara ja raha hai, hamari zameenein chheeni ja rahi hain, hamare ghar tabahi mach rahi hai." मणिपुर में और एक साल से ज्यादा हो गया है. सो फाइनली दैट डे इज हियर. वी विल कीप रीडिंग आवर न्यूज़पेपर्स एज टू व्हाट इज द सॉल्यूशन. बट बिफोर दैट सॉल्यूशन कम्स अप एनीवेयर, यू एज अ व्यूअर, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, यू शुड टेल अस इन द कॉमेंट बॉक्स व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट स्टेप ओवर हियर एंड हाउ शुड यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर provide a solution to this problem of Manipur violence. Yes, so now before ending this particular video, I have two very very important announcements. Pehli announcement UPSC aspirants ke liye hai, jo ki prelims 2025 ke liye taiyari kar rahe hain aur wo dhoond rahe hain ek aise type ki test series jo unko ek one stop solution de, jo ki UPSC ke pattern ke sath completely aligned ho. So look no further and join Maluka IAS today, wherein we are going to provide you 64 tests, out of which 34 are for your prelims, 30 are for your mains in both English as well as Hindi at very, very affordable price. And not only will you get a test beta,
टेस्ट के साथ साथ टेस्ट की डिस्कशन भी होगी और आपको टॉप मेंटर्स के साथ मेंटरशिप प्रोग्राम भी मिलेगा. तो डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज टुडे. एंड इफ इन केस आप चाहते हैं कि आप कोई डेमो क्वेश्चंस देखना पसंद करेंगे, वी विल प्रोवाइड यू दैट एज वेल. सो यू कैन कॉल अस ऑन आवर ऑफिशियल नंबर, विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट और एनी ऑफ आवर ऑफलाइन सेंटर्स एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. एंड फाइनली अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल द यूपीएससी एस्पिरेंट्स हू आर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज स्टार्ट योर करंट अफेयर्स टूडे विद मलूका आईएएस. प्लीज डोंट वेस्ट टाइम. ये मत सोचिए कि पहले प्रीलिम्स करेंगे फिर उसके बाद हम बाकी के लास्ट टू मंथ्स में करंट अफेयर्स तो हो ही जाएगा. करंट अफेयर्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर पेपर एंड यू कैन सी इट फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. एंड वी एट मलूका आईएएस बिलीव कि जिस महीने का करंट अफेयर उसी महीने में खत्म कर दो. तो ये टू द पॉइंट करंट अफेयर्स भी आपको इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में मिलेंगे एट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस. सो डोंट वेस्ट दिस अपॉर्चुनिटी एंड कम एंड रियलाइज योर ड्रीम विद मलूका आईएएस. थैंक यू.